وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد नादरी खैर मकदम है आपका इस्लामी समाज के आदाब के इस प्रोग्राम में नादरी हजरत एक हदीस बयान फरमाते हैं बड़ी हदीस और इसको नकल फरमाया हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी मशहूर किताब मुस्लिम शरीफ में सही मुस्लिम में किताबलब्र व वसला हजरत अनस रद्ल तुम बैन फरमाते मैं दीने में रसूल अकरम की मजलिस लगी हुई थी एक देहाती आया और उसने आकर सवाल किया अल्लाह के रसूल क्यामत कब आएगी सारे लोग मुतवजह हो गए उसकी तरफ अजीब सवाल कर रहे क्या के बारे में पूछ रहे ने उसके इस सवाल पर जवाब ये नहीं दिया कि फला वक्त आएगी उससे सवाल किया माँ आदत क्यामत के बारे में पूछ रहे हो क्यामत की क्या तैयारी की है तुमने कहने लगा अल्लाह के रसूल ना तो बहुत ज्यादा मेरे पास रोज़े हैं ना नमाजे हैं ना सबक़ हैं ना खैरत हैं लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ रसूल अक्रम सरमायालमरु मा मन अहब्बा। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो देखो याद रखो क्यामत में आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा उसके साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है सुबह अल्लाह मसल मोहम्मद हज़रत अनस बयान फरमाते हैं कि कि इससे उनको कभी नहीं हुई ये तो सहाब कर को बतला और फिर कहते हैं इन्नी और मेरा मामला ये है मैं अल्लाह उसके रसूल अबू बकर और उमर इन सबसे मोहब्बत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कयावत में मैं इनके साथ रहूंगा अल्लाह इज़्ज़त उनकी नेकियों को ज्यादा करे उनकी कब्रों को नूर से भरे कितने अच्छे नेक और कितने प्यारे लोग थे बातें सादा सबकी समझ में आ जाए लेकिन तमन्नाएं आरजुए सबसे निराली सबसे ज्यादा मुफीद देहात से चलकर आदमी आया है रसूल अकरम की खिदमत में कोई और सवाल नहीं सवाल ये है क्यामत कब आएगी अल्लाह के रसूल क्यों पूछ रहा भाई सवाल कई मकसद से होते हैं बाज लोग तो सवाल करते हैं महज मालूम के लिए करना करना कुछ नहीं उनको बस मालूम आज कल हमारे जमाने में बहुत सारे लोग लायानी सवालों में लगे हुए हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या था उनकी बहन का नाम क्या था हजरत इदरीसलातम के वालिद का नाम क्या था फला की माँ का नाम क्या था कुरान शरीफ में सही अहदी से रसूल में जिन बातों का तस्करा नहीं है साहब के राम ने उनके बारे में कभी पूछा नहीं अल्लाह के रसूल से हजरत मषा का तस्करा दीगर अम्बिया के मुकाबले में कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिक्र किए गए उसकी खास वजूहत हैं ख़ास हबाब हैं बहुत गहरा ताल्लुक है हजरत मसा सलाम और उनकी कौम और रसूल करम सल्हम और आपकी मिलत और आपकी उम्मत के दरम्यानूज जवाल बुराइयां अच्छाइयां इसलिए मूसार सलाम को अल्लाह रबुल्जत ने बार बार पेश किया लेकिन क्या कभी किसी हदीस में आपने किसी आलिम ने कहीं पढ़ा कि अल्लाह के रसूल से किसी साहबी ने पूछा हो हजरत मिसला तो सलाम की वालदा का नाम क्या था पढ़ा नहीं किसी साहबी ने नहीं पूछा बात सीरत निगार और जिन्होंने सहाब कराम की ज़िंदियों पर किताबें लिखी चाहे वो इबन हजर असकलानी हो चाहे उसदुल गाबा के मुसनफ़ हो चाहे असबहानी हो अबू या दीगर लोग हों एक लाख चौबीस हज़ार के करीब करीब साहब कराम रजान तजमयीन की तादाद लिखी है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन सीरत नगारों इतनी बड़ी तादाद साहब की बार बार तस्करा हजरत सलात का आ रहा है लेकिन किसी साहबी ने रसूल से ये नहीं पूछा रसूल की वालदा का उनकी बहन का जो उनको देखने गई थी नाम क्या था पूछा नहीं पूछा क्यों तो नहीं पूछा अच्छा कुरान शरीफ में अल्लाहत ने इतनी बार तस्करा किया हजरत मूसा सलात की वालदा का उनके प्यार उनकी मोहब्बत उनकी मामता उनके लाड उनकी तशवीश उनकी परेशानी इन उन तमाम चीज़ों का तस्करा किया रब्बुल इज़्ज़त ने लेकिन हर जगह उमूस मूसा, उमस मूसा, कहीं पर उनका नाम लिया नहीं लिया क्यों नहीं लिया अगर ज़रूरी होता उससे कोई फ़ायदा हमें हो रहा होता इज़्ज़त तो ज़रूर जिक्र करता अगर उससे कोई फ़ायदा होता रसूल अकरम जिक्र फरमा देते कोई फायदा होता सहाबे राम में से कोई पूछ लेता पूछा क्या नहीं पूछा ऐसे ही असहाब कहफ अल्लाह रबुल्जत ने यह तो जिक्र किया कि बाज लोग कहते हैं सात थे बाद कहते हैं छः थे बाद कहते हैं इतने थे बाद कहते उतने थे ठीक है वो सब तस्करा किया लेकिन वाज तौर पर यह नहीं बतला कितने थे इशारे हैं जिससे अंदाजा होता है कि ये थे क्योंकि जिन दो और कौनों का तस्कर किया है उनकी तरदीद की है और एक कौन ऐसा जिक्र किया जिसकी तरदीद नहीं की जिससे बाद मुफ ने यह इशारा अखज किया कि इतने थे चलो वो छ थे सात थे जितने भी थे कहीं कुरान शरीफ में उनका इतना जिक्र किया सूर्य कहफ में और इतने प्यारे अंदाज में उनके नामों का जिक्र किया क्या नहीं किया आज हमारे यहां तावीज वे वाले लोग असाब कहफ के नामों के तावीज लिखते हैं अाब कहफ के नामों के वजीफे बताते हैं असहाब कहफ के नामों का जाप बताते हैं ऐसा करोगे इतनी बार पढ़ोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा ये लिख कर पी लोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा इसका तावीज़ बना कर लटका लोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा अगर ये सारे फ़ायदे उनके नामों से होने वाले थे तो अल्लाह रबुजत कुरान में उनके नाम भी जिक्र कर देता क्योंकि तो उसको तो मालूम थे रसूल अक्रम सम बैन फरमा देते अगर आपको मालूम नहीं था तो अल्लाह रबुल्जत से पूछ कर हजरत जबरील से पूछ कर बता देते उम्मत को उम्मत के फायदे की आपको जरूरत नहीं थी ख्याल नहीं था फिर अल्लाह रसूल हजरत जबरील को इनको एक तरफ कीजिए इन साहब के नाम को क्या हुआ था असाब कहफ का जिक्र पढ़ा बार बार पढ़ा सूर्य कहफ की फजीलतें सुनीं उससे मानी और मतालब अखज़ किए उससे सबक इबरते और दुरुस्त अखज़ किए लेकिन कभी उनके नाम नहीं पूछे रसूल अक्रम से कि अल्लाह के रसुल असाब कैफ के नाम क्या थे अब आज हमारे जमाने में लोग उनके नाम बायदा उनका यह नाम था उनके कुत्ते तक का नाम बाज लोग जिक्र कर रहे हैं क्यों जब आदमी को फिक्र नहीं होती ना अपनी जिंदगी की अपनी आखिरत की और जन्नत की अमल से भागता है और बेअमली का शिकार हो जाता है तो जहनी अयाशी में लग जाता है मालूम का भंडार बन जाता है कबाड़ खाना साब कर राम रजा तजमाइन के जहन कबाड़ खाना नहीं थे सिर्फ मुफीद बातें उसमें रखते थे याद आई तकसीम से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान के तकसीम होने से पहले एक आलिम थे मुतहद हिंदुस्तान में फिर मुल्क तकसीम हो गया तो पाकिस्तान में जरत मौलाना मोहम्मद साहब गोंदलवी शेखुल हदीस रहमत आज अल्लाह रबुल्जत ने इस आलिम को हाफजा इतने गज़ब का दिया था कि उनके जमाने में उनके बाद आज तक हमने ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं देखा न किसी और ने देखा वो अखबार नहीं पढ़ा करते थे रेडियो नहीं सुना करते थे इसी दुनिया में रह रहे हैं हदीस का मताल तारीख का मताल फी किताबों का मुताला, मसले मसाइल का رجال का ये शकफ़ था उनका और मालूम वो गज़ब की मालूम के आदमी दंग रह जाए हजरत मौलाना मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह का हमने जिक्र किया था कि अल्लाह रब ने उनको गज़ब का हाफजा दिया था कई वाकत उनके कुत हिफ के उनके सवान में लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ एक वास्ते से ये सब कुछ सुना है और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने खुद उनको देखा है और उनसे सुना है अब भी मौजूद है पाकिस्तान में अखबार नहीं पढ़ते थे रेडियो नहीं सुनते थे किसी ने पूछा उनसे हजरत आप अखबार नहीं पढ़ते हाँ मैं अखबार नहीं पढ़ता आप खबर नहीं सुनते रेडियो पे हाँ मैं खबरें भी नहीं सुनता तो फला फला लोग तो सब हाँ हाँ वो लोग सुनते हैं अखबार भी पढ़ते हैं पढ़ो ये आप क्यों नहीं पढ़ते फरमाया पढ़ता इसलिए नहीं कि मैं अपने दिमाग को कबाड़ खाना नहीं बनाना चाहता मतलब अखबार में दीन की तो कोई बात होती नहीं फला जगह बलात्कार हो गया फला जगह जना बिलजबर हो गया फला को फांसी हो गई फला को कत्ल हो गया फला जगह चोरी हो गई फला जगह डकैती हो गई और सियासत में ये हो रहा है फला पार्टी ने यह कह दिया फ़ला ने यह कह दिया ऊट पटांग की खबरें रोज़ाना अगर मैं अखबार पढ़ने लगूँ तो मेरा जहन कबाड़ खाना हो जाए तो वो अपने दिमाग को कबाड़ खाना नहीं बनाना चाहते थे इसलिए अखबार नहीं पढ़ते थे रेडियो भी नहीं सुनते थे फिर हुआ क्या कि हाफजा उनका इस गज़ब का था मदीना मनोवर में आलम इस्लाम की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी अलजामतमिया अल मदीना यूनिवर्सिटी जब वो कायम हुई तो एक दो साल के बाद वहाँ से मुतालबा हुआ कि आप यहाँ आ जाइए सऊदी में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए बड़े महदस थे और जिन लोगों ने उनसे तालीम हासिल की थी उन लोगों ने बड़ी तारीफ की थी वहाँ बुला लिया गया उनको पढ़ाने गए कुछ दिन पढ़ाया उन्होंने बच्चों ने शिकायत की ये जो कुछ पढ़ाते हैं हमारी समझ में नहीं आता इंतज़ामिया एकदम ये क्या इतना बड़ा मुहदस इतनी शोहरत वसी मालूम का खजाना उसके बारे में बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आता उनको पता नहीं लेकिन इंतज़ामिया ने इस की मीटिंग बुलाई उनको छोड़कर और वो बहुत बेनियाज आदमी कहा कि इस तरह की शिकायत आई है और शिकायत नाकबिल फाहम है आप क्या किया जाए कुछ लोगों ने मशोरा दिया कि ऐसा करें कि इस में से एक ग्रुप कुछ लोगों का उनके दर्श में जाकर बैठे और फिर देखें कि वो पढ़ा कैसे रहे पढ़ाने का अंदाज क्या है और पढ़ाते हैं तो ना समझ में आने वाली बात क्या है ये तजवीज माकूल लगी इसका एक ग्रुप दर्श में जाकर बैठा वो आए तो वहां पर उस्ताद हाजिरी नहीं लेता हाजरी लेने वाला एक अलग होता है उस्ताद को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन आया है कौन नहीं आया किसने याद किया है किसने याद नहीं किया है वो आता है आकर अपना दर्श शुरू कर देता आज हमारा दर्श ये है और उसके मतलब हदीस पढ़ाते थे तो हदीस पढ़ाते थे हदीस रसूल अक्रम की पढ़ी तो उसकी सनद में जो रावी आए हैं उन रावियों के सिलसिले में वसी मालूमात ये फ़लहँ हैं इनका नाम ये है कुनीत ये है नसब ये है फल जगह रहे इनके उस्ताद ये हैं इनके शागिद ये हैं इन्होंने ज़िंदगी में ये किया फ़लाँ वक्त इनकी वफात हुई दूसरे ये हैं और ये। फिर उसके बाद अब हदीस पर मतन पर ये लफ्ज़ आया है इसका ये माना है और इसका यूँ इस्तेमाल होता है और इसका ये माना है और इसकी जमा ये है और इसका वाहिद ये है ये ख़त्म हो गया अब उसके बाद इस हदीस से ये फ़िक्ही मसाइल मुस्त होते हैं इतना तफसीली दर्श घंटी लग गई चले गए असाजा भी उठकर आ गए फिर मीटिंग हुई कहा भाई आप लोग गए थे रिपोर्ट दीजिए कभी हमारी रिपोर्ट भी ये है कि बच्चों की शिकायत दुरुस्त है अब बाकी लोग जो है आप लोग कह रहे हैं कि बच्चों की शिकायत दुरुस्त है कैसे ये बहुत बड़े आलिम हैं बड़ी शोहरत है इनकी का वजह इसकी यह है कि बच्चों की जो सतह है इल्म की उससे बहुत ऊंची सतह है उस्ताद की और वो अपनी सतह से नीचे आकर बच्चों की सतह में आकर वो पढ़ाते नहीं वो जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों के सर के ऊपर से गुजर जाता है उनके इल्म में उनके फजल में उनकी मालूमत में कोई शक नहीं है कोई फर्क नहीं है वाकई बहुत बेनजीर आलिम है लेकिन वो बच्चों के मतलब की नहीं क्या किया जाए इतने बड़े आलिम को बुलाया हमने पाकिस्तान से और यहाँ पर उनको उस्ताद बनाया है अब मना नहीं कर सकते का मना ना किया जाए ऐसा किया जाए कि उनके लिए खसूसी दर्श का इंतजाम किया जाए और उसमें उस्ताद और प्रोफेसर हजरात ही रहा करें तलबा नहीं अल्लाह पर गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए अब वहां जाकर उस्तादों को पढ़ा रहे हैं ये कुत हाफजा यू उस जमाने की बात नहीं है साहब करम के ज़माने की बात हमारे जमाने की बात है ये जो मुनकरीन हदीस है जो कहते हैं कि ऐसे इतनी हदीसें कैसे याद कर सकता है आदमी अरे वो उन लोगों का तो मामला ही अलग था ये हमारे जमाने का आदमी है पूरी बुखारी नहीं बुखारी की शराफतुलबारी जिस आदमी को याजबर हो क्या कहेगा आदमी उसको लेकिन कैसे थी इसलिए कि उन्होंने अपने दिमाग को कबाड़खाना नहीं बनाया था तो उन्होंने कबाड़खाना नहीं बनाया इसलिए उनका हाफजा गजब करा तो नाजरीन जिक्र हो रहा था इस बात का कि पहले के लोग साहब कराम ताबे नेजाम ये हजरात बेकार की और फजूल की बातों में अपने दिमाग को नहीं लगाते थे हजरत आजमसलासलाम जन्नत में जो दरख्त खाया था वो नाम क्या था उसका वो किस चीज का दरख्त था तो फल खाया था या बीज खाए थे उसकी हाइट क्या थी उस दरख्त की आपने पूरा खाया था खाली चखा था फजूल की बकवास इससे क्या हासिल है इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए तो हम जिक्र कर रहे थे हजरत अनसरतील्हन का रसूल अक्रम की मजलिस में एक देहात का आदमी हाजिर हुआ सवाल किया अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी अब ये जो सवाल है भी कल आ जाए दस बीस साल के बाद आए हजार साल के बाद आए आपको इससे क्या होने वाला है रसूल अक्रम वसल्लम ने सवाल को गैर जरूरी मानते हुए बदल दिया उसको सुबह मेरे नबी की यह आदत नहायत उमदा न गैर जरूरी बात करना न गैर जरूरी बात में लोगों को फंसे रहना सवाल किया कयामत कब आएगी पूछा माँ आदत गोया के बतलाया यह हम नहीं है कि क्यामत कब आएगी तुम्हें मालूम हो जाए कब आएगी तो क्या कर लोगे तुम आगे पीछे कर दोगे ये अहम है कि तुमने तैयारी क्या की है उसके लिए अल्लाह वाकई अहम तो ये है कि हमने तैयारी क्या की है लेकिन वो लोग भी बड़े नेक बड़े दीनदार सादा मनतखी बहसों में पढ़कर अगर मगर अल्लाह के रसूल नमाज तो बहुत ज्यादा नहीं है जो फरज हैं वही अदा कर पाते हैं जो पांच वक्त की नमाज है रोजे भी वही जो रमजान के हैं वही रख पाते हैं लेकिन हाँ ये बात है कि हाँ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हमारी सच्ची है अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सुबह अल्लाह तो जो बुनियाद है वो पकड़े हुए हैं जो कामयाबी की जड़ है ना वो पकड़े हुए हैं फरमाया रसूल अक्रम सम ने अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुनो खुशखबरी तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा अलमार माम अहब्बा आदमी को उसी के साथ रखेगा अल्लाह रबुल्जत क्यामत में जन्नत में जिससे वो मोहब्बत करता है हजरत अनस फरमाते हैं ये सुन के साहबा कर की बाछें खिल गई मेरा दिल तो बा हो गया क्यों इसलिए कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ उमर से मोहब्बत करता हूँ और जब आप ये फरमा रहे हैं कि क्यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा तो मेरा हशर रसूल के साथ अबू बकर के साथ उमर के साथ होगा मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात शादत की बात और कौन सी हो सकती है क्या हम इस पर गौर करेंगे क्या हम नहीं चाहते कि हमारा हशर रसूल के साथ हो अबू बकर उमर के साथ हो अगर चाहते हैं तो उनसे सच्ची मोहब्बत रखिए सच्ची मोहब्बत सच्ची मोहब्बत आपको उनके साथर साथ करे नाजरीन यहाँ हम पहुंचते हैं अपने इस एपिसोड के अख्ताम तक फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करे